दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। तो मैं हबीब फिर से नई रेसिपी के साथ। तो दोस्तों आज हम कुकर में किडनी बनाएंगे, जिसके लिए हमने आधा केजी बकरे का किडनी ले रखा है। तो आइए सबसे पहले तो हम इसे काट लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, हमने इस तरह से किडनी को काट लिया है। इसे अच्छी तरह से हम धो लेंगे, फिर इसे हम मैरिनेट करेंगे। तो आइए सबसे पहले तो हम इसे धो लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, हमने इस तरह से इसे काट लिया है। तो आइए अब हम इसे में मैरिनेट करेंगे। तो मैरिनेट करने के लिए दोस्तों हमने कुछ लहसुन के कूट लिया है, यहाँ 3 से 4 लहसुन की कली है, और ये स्वाद अनुसार नमक, जो कि हमने इसे भी डाल देंगे। और हमारे पास कुछ मसाले हैं, ये मसालेदार बनाएंगे दोस्तों करी वाला। तो जिसके लिए हमने मसाले कुछ हल्की सी ज़्यादा ले रखे हैं। तो मैंने लाल मिर्च 1 टेबल स्पून लिया है, 1/2 टेबल स्पून हमने हल्दी पाउडर है, और 1/2 टीस्पून हमारे पास गरम मसाला है, 1/2 टेबल स्पून हमारे पास काली मिर्च पाउडर है, और 1/2 टेबल स्पून हमारे पास धनिया पाउडर है। तो आइए सबसे पहले हम मसाले को भी डाल देते हैं। हमारे पास यहाँ टमाटर और मिर्च का पेस्ट है, इसमें हल्की सी अदरक भी है, और हम नींबू का सिरका हम 1/2 टेबल स्पून डाल देंगे, और हम सोया सॉस आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, ये मैं 5 से 10 बूंद ये डाल दिया। और इसमें हमारे पास हल्की सी फूड कलर है, जो कि हमारा जो ग्रेवी बनेगा उसमें 4 चांद आ जाएगी। तो आइए इसे हम मिक्स कर लेते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, हमने मैरिनेट कर लिया है। तो इसे मैं 2 घंटे के लिए मैं इसे फ्रिज में रख दूंगा, ताकि ये बहुत जूसी बने। तो इसे हम एक बाउल में रख लेंगे, जिसका शेप आप कोई भी शेप में रखें बेटर रहेगा। मैरिनेट करके छोटे बर्तन में रखना चाहिए, तो वो और भी अच्छे बन जाते हैं जूसी। तो दोस्तों इसे हम 2 घंटे के लिए रखेंगे, आप चाहें तो पूरी रात रखिए, तो ये आपके ऊपर है, या फिर आप चाहें तो तुरंत भी बना सकते हैं। तो आइए सबसे पहले तो हम इसे इसमें रख लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, हमने इस तरह से बाउल में रख लिया है। तो हम इसे 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देते हैं। तो आप चाहें जितने समय रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए इसे हम रख लेते हैं। तो ये देखिए, हमारा जो किडनी था उसे हमने निकाल लिया है 4 घंटे के बाद, तो ये काफ़ी जूसी दिख रहा है। तो हमने 2 प्याज मीडियम साइज काट रखे हैं, कुछ 5 से 6 लहसुन की कलियाँ हैं, और 1 हरी मिर्च है, इसे हम पीस लेंगे दोस्तों। तो आइए हम इसे पहले तो पीस लेते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, हमने मसाले को इस तरह से पीस लिया है। तो आइए सबसे पहले तो हम हल्की सी जीरा के साथ, तो ये जो हम किडनी बनाने जा रहे हैं वो हम बनाएंगे कुकर में। तो सबसे पहले हमने कुकर ले लिया है, और कुकर में हमने तेल डाल दिया है। तो ये देखिए दोस्तों, हमने कुकर में तेल डाल दिया, और ये हल्की सी जीरा हम इसमें डाल देंगे, और उसके बाद जो हमारा प्याज है पीसा हुआ उसे डाल के हल्की सी फ्राई कर लेते हैं। तो दोस्तों हमारा 2 मिनट हो गया है प्याज को फ्राई करते हुए, मीन्स जो हमने प्याज का पेस्ट बनाया था। तो हालांकि हमारा जो किडनी है उसमें ऑलरेडी जब हम मैरिनेट किए थे तो मसाला अच्छे खासे डाल रखे थे। मैं हल्का सा मसाला डाल रहा हूँ, जो कि 1/4 टीस्पून है, काली मिर्च, गरम मसाला और हल्दी, और स्वाद अनुसार नमक, जो कि हम डाल दिए इसमें। और इसे हम मैं मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट तक इसे पका लेता हूँ अच्छी तरह से, ताकि हमारा जो ये मसाला डाले हैं तेल हमारा बाहर आ जाए ऊपर की ओर, और हमारा प्याज भी पक जाए। तो आइए सबसे पहले तो हम इसे 5 मिनट तक पका लेते हैं। हमारा मसाला जो पक चुका है और अच्छा से भून चुका है, तो आइए अब हमारा जो मसाले हैं उसमें हम हमारा जो किडनी है उसे हम डाल देते हैं। किडनी डाल के हम इसे फ्राई कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये देखिए, हमने इस तरह से 5 मिनट तक हम इसे भूनेंगे अभी, फिर उसके बाद हम 1 कप पानी डाल के इसे 3 सीटी तक लगाएंगे, ताकि ये पक जाए। इसे किडनी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है पकने में, तुरंत पक जाएगा। तो हमारा 2 से 3 सीटी में पक जाएगी। तो दोस्तों इसके पकने के बाद हम मिलते हैं। आप इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल लीजिएगा, बाकी मैं इसमें कुछ नहीं डालने वाला, क्योंकि ऑलरेडी मैरिनेट करते समय मैंने फुल मसाला डाला। तो मिलते हैं पकने के बाद दोस्तों। तो दोस्तों
तीन सीटी लग चुका है, अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो आइए हम इसे निकाल लेते हैं, अब फिर आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखिए काफ़ी अच्छा तरीके साथ बना है। आइए मैं आपको इसे सर्व करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये देखिए हमारा किडनी का सब्जी कितना लाइट मार रहा है, मीन्स ये बेहतरीन बना है। और ये देखिए हमारा रेडी है, तो आप इसे रोटी के साथ भी खा सकते हैं दोस्तों, चाहे तो आप चावल के साथ खाइए बेटर रहेगा। तो मैं आज जो हमारा रशियन लिपोश्का है ब्रेड, उसके साथ खाएंगे। तो दोस्तों आपको ये रेसिपी कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, आप इसे तब तक बनाइए और खाइए, इंजॉय कीजिए। तो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।